नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो हमारे चैनल के माध्यम से ताजा प्राप्त हो सके। पहली महत्वपूर्ण सूचना निकल के आ रही है, PCS 2021 की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके परिणाम हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। भर्ती में पूर्व सैनिकों को 5% आरक्षण का लाभ देते हुए जारी किया जाए परिणाम, इसके लिए एक महीने का समय भी आयोग को कोर्ट ने दिया है। एक महीने के भीतर जो है रिजल्ट जारी करना है। 5% जो आरक्षण है वह जो है सैनिकों को नहीं मिला था, पूर्व सैनिकों को, इसी वजह से यह परीक्षा परिणाम रद्द हुआ था है। इसी तरह से 2018 में भी एक केस आया था जिसमें कि आरक्षण विवाद में 2018 का भी परिणाम PCS का फिर से बदल करके जारी करना पड़ा था लोक सेवा आयोग को। तो 5% आरक्षण न देने के मामले में आयोग फंस गया और रिजल्ट की वजह से तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि प्रभावित हो रहे हैं। 5% आरक्षण एक ऐसा मुद्दा बन गया जिसके पूरा रिजल्ट ही ध्वस्त हो गया और इसके खिलाफ सरकार हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट भी जाए, किंतु अभी का यही स्थिति है कि परिणाम को रद्द किया जा चुका है हाईकोर्ट के द्वारा। वहीं जो बैंक में जॉब करना चाहते हैं अभ्यर्थी, उनके लिए एक अच्छी खबर है। बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने वाले जितने भी युवा हैं उनके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग ने IPBP की तरफ से 6,432 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। न्यूनतम 20 वर्ष आयु से अधिकतम 30 वर्ष आयु तक इसमें जो है आयु सीमा मांगी गई है। बाकी परीक्षाओं का जो पैटर्न है वो सामान्य पिछली तरह ही है। तो जो भी अभ्यर्थी बैंकिंग क्षेत्र में PO उनके लिए यह सुनहरा मौका होगा। तो आप सभी जो भी बैंकिंग क्षेत्र से तैयारी कर रहे हैं वो अपने फॉर्म को यहाँ फिलअप कर दें और यह एक बड़ी वैकेंसी होगी IPBPS के लिए। तो बैंकिंग के जो भी अभ्यर्थी हैं वो वेबसाइट भी नोट कर लें और उन्हीं वेबसाइट के बेस पर आप जो है जा कर के फॉर्म फिलअप कर दें। अगली सूचना जो आए वह जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक चयन प्रक्रिया के रिजल्ट को लेकर के है। दिया है कि जो पहला परिणाम है 8/6/2022 द्वारा आदेश के अनुसार जब तक पुराना वाला परिणाम नहीं रद्द होगा तब तक नया परिणाम जारी नहीं किया जाएगा या नहीं किया जा सकता। वहीं आयोग ने यह स्पष्ट किया कि यथाशीघ्र भेजा जा चुका है परीक्षा परिणाम संशोधित करके जारी करने के लिए आदेश। अगर वहां से शासन की तरफ से निर्देश प्राप्त हो जाता है तो रिजल्ट यथाशीघ्र जारी कर दिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर के जो पुराना रिजल्ट है उसके कैंसिल होने के साथ नया रिजल्ट जारी होगा। इसमें अगर निर्देश इसमें इंतज़ार है तो सिर्फ जो है शासन की तरफ से आदेश मिलने का इंतज़ार है। तो यह एक महत्वपूर्ण अपडेट है आपके जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा से। वहीं देखिए दिया है अगली जो सूचना वह इंटर कॉलेजों में योग शिक्षकों की जो भर्ती है उसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले जो है समाचार पत्रों के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया था कि संविदा के बेस पे योग शिक्षक रखे जाएंगे और उसी को लेकर के आज के समाचार पत्रों में यह खबर छपी हुई है। तो जितने भी योग से डिप्लोमा करने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी यह एक अच्छा अवसर होगा, उनको जॉब मिल सकती है इंटर कॉलेज में एज ए योग टीचर। आगे दिया है APS भर्ती परीक्षा में CBI को नहीं मिली अभियोजना की अनुमति। अभियोजना की अनुमति आगे कार्रवाई करने के लिए न मिलने की वजह से आयोग के जो दोषी कर्मी हैं या अध्यक्ष आदि हैं उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वह जो है CBI नहीं कर पा रही है। यही हर बार होता है तो यह एक बड़ी समस्या बन के आ जाती है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके खिलाफ जब कार्रवाई नहीं होती है तो परीक्षा में लगातार धांधली और समस्याएँ पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। लेखपाल परीक्षा भी देखिए रद्द होने के कगार पे आ गई एक तरह से और उसमें इतनी लोग पकड़े गए धांधली करते हुए, डिवाइस वगैरह भी पकड़ी गई, लेकिन इस पर कुछ निर्णय नहीं हो पा रहा। लगातार जो परीक्षाएं हैं उनकी सूचना तार तार हो रही है लेकिन इस पर जो है सरकार मौन धारण किए हुए है, कुछ कर नहीं पा रही है और इसमें जो अच्छे अभ्यर्थी हैं उन्हीं का नुकसान हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है और तमाम लोग इसमें पकड़े भी जा रहे हैं और धांधली के बस पे बहुत लोग नौकरियां भी प्राप्त कर ले रहे हैं। तो
कहीं ना कहीं सरकार ढीली है, अगर यह अनुमति दे देती तो आगे की कार्रवाई होने के बाद उनको सज़ा मिल जाती, तो शायद अगला व्यक्ति फिर कभी इस तरह की गलती ना करता। इन्हीं सारी महत्वपूर्ण अपडेट के साथ सूचना सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।